जियो एयर फाइबर इंस्टॉलेशन, जियो एयर फाइबर फ्रीडम ऑफर। इस वीडियो में गाइज आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ जियो एयर फाइबर कैसे लगवा सकते हैं और कैसे गाइज आप फ्रीडम ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आपका 1000 रुपये माफ होने वाला है। जैसे जैसे गाइज यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा उसको कम्प्लीट करना है और रिव्यू द गाइज मैं आपको देने वाला हूँ और मैं आपको स्पीड टेस्ट भी आपको दिखाऊँगा कैसे स्पीड टेस्ट रहता है, कैसे इसकी सर्विस रहती है। फुल डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना है, चैनल को यार के पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मैंने देखो आउटडोर में गाइस यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स लगाया हुआ है और इसका बॉक्स गाइस देखो यहाँ पर मैंने नीचे लगाया हुआ है, देख लो गाइस यहाँ पर ये, और नीचे गाइस यहाँ पर BSNL का ब्रॉडबैंड आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पर मैंने इसको क्लोज करा दिया है। BSNL का ब्रॉडबैंड मैंने इसलिए कैंसिल कराया क्योंकि यार इसकी सर्विस अच्छी नहीं थी। तो जब से गाइस मैंने यहाँ पर एयर फाइबर लगवाया है बहुत अच्छी सर्विस है, स्पीड भी अच्छी आती है, मैं स्पीड भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या देखो कभी कभी प्रॉब्लम करता है क्योंकि 5G नेटवर्क बेस पे यहाँ पर ये एयर फाइबर वर्क करता है। तो आपके एरिए में 5G नेटवर्क है तो गाइस ये भी अच्छे से वर्क करेगा, नहीं तो गाइस बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो मैं आपको देखो ऑफर का डिटेल भी दे देता हूँ जियो एयर फाइबर की। देखो गाइस मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ तो देख लो गाइस यहाँ पर आपके सामने स्पीड टेस्ट 16-15 MB की आ रही है। यार 16 MB की स्पीड आ रही है, ये 16 MB की स्पीड क्यों देखने को मिल रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने 100 MBPS का प्लान ले रखा है तब जाके गाइस यहाँ पर ये ऐसा शो कर रहा है। एक तो देखो गाइस मैं रूम के अंदर बैठा हूँ और दूसरा गाइस देखो सुबह के टाइम यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है तो फिक्स होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 100 MBPS का रेगुलर प्लान गाइस यहाँ पर ये देखने को मिलता है, 100 MBPS की स्पीड यहाँ पर रेगुलर आती है। तो इसका कोई वो नहीं है गाइस कि यहाँ पर ऐसी स्पीड आएगी, 100 MBPS में 100 MBPS की रेगुलर गाइस यहाँ पर अपलोडिंग और गाइस यहाँ पर डाउनलोड स्पीड आती है। जैसे देखो गाइस यहाँ पर ये आ रही है तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पर ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, बेटर है क्योंकि मेरे यहाँ बढ़िया बहुत नेटवर्क मिलते हैं। तो ये देख लो गाइस कैसे यहाँ पर देखो कैसे स्पीड देखने को मिल रही है, अपलोड स्पीड देख लो गाइस खूब यहाँ पर मस्त देखने को मिलती है, डाउनलोड स्पीड भी गाइस बिल्कुल अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन इस टाइम यहाँ पर डाउन चल रही है तो इसे छोड़ो गाइस। यदि गाइस देखो आपके यहाँ पर गाँव में 5G नेटवर्क आते हैं तो आपके यहाँ पर लग जाएगा एयर फाइबर। यदि गाइस 5G नेटवर्क नहीं है यहाँ पर आपके एरिया में तो गाइस आपका एयर फाइबर भी वर्क यहाँ पर नहीं करेगा क्योंकि ये 5G बेस पे यहाँ पर चलता है। एक चीज़ देखो गाइस मैं और बता देता हूँ, यदि गाइस देखो आप एयर फाइबर का यूज़ कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर एरिया में 5G नेटवर्क आता है तो गाइस बिल्कुल बढ़िया चलेगा, और 5G नेटवर्क नहीं आता है तो गाइस एयर फाइबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलेगा, स्पीड आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखो गाइस एक फ्रीडम ऑफर चल रहा है, 3 मंथ का आप रिचार्ज कर सकते हैं, 2121 का रिचार्ज है शायद, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, वो वाला आप रिचार्ज करेंगे तो गाइस आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। 1000 गाइस यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो गाइस बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि गाइस देखो मैंने 6 मंथ का रिचार्ज कराया था पहले और मुझे गाइस 15 दिन एक्स्ट्रा मिले थे। तो देखो गाइस यदि इस टाइम आप यहाँ पर करते हैं यहाँ पर बुक अपना एयर फाइबर तो गाइस आपको 1000 इंस्टॉलेशन का गाइस यहाँ पर बिल्कुल भी पर चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। ये गाइस इंस्टॉलेशन चार्ज जो कि यहाँ पर एक कंपोनेंट्स है जो कि यहाँ पर जियो वाले आके लगाते हैं, यहाँ पर एक आपको टीवी का बॉक्स भी दिया जाता है वो भी गाइस मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे बेनिफिट यही है गाइस यहाँ पर आप टीवी चला सकते हैं और उस सेटअप बॉक्स से आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपने एरिया में चेक करना है कि आपके एरिया में नेटवर्क सही आते हैं, एरिया में नेटवर्क सही आते हैं तो गाइस आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो गाइस देखो आप फाइबर में शिफ्ट हो सकते हैं। मैंने ब्रॉडबैंड भी लगवाया था BSNL का, तो जैसे कि देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ BSNL के ब्रॉडबैंड में एक दिक्कत आएगी क्योंकि एक दिन के लिए गायब हुआ, 2 दिन के लिए गायब हुआ, कभी भी गाइस उसकी लाइन टूट जाती तो इसलिए मैंने उसको शिफ्ट करा दिया, मैंने यहाँ पर ब्रॉडबैंड को बंद करा दिया BSNL का। और अब गाइस देखो मैं फाइबर में शिफ्ट होने वाला हूँ, यहाँ पर एयरटेल और जियो का गाइस यहाँ पर फाइबर आ चुका है तो यहाँ पर मैं उसमें शिफ्ट होऊंगा। एयर फाइबर बहुत ही ज़्यादा महंगा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ एयर फाइबर सबसे महंगा है, 1000 आपका 42 रुपये का यहाँ पर आता है बिल, 100 MBPS का सबसे महंगा रिचार्ज मैं मानता हूँ, तो मैं इसलिए शिफ्ट यहाँ पर इससे होऊंगा, सबसे महंगा इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ देखो गाइस आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, बस आपको बुक करना है माई जियो ऐप से, आपको फ्रीडम ऑफर मिल जाएगा, 3 मंथ का आप रिचार्ज करते हैं तो गाइस 2100 रुपये में आपका यहाँ पर सारा काम हो जाएगा, 1000 आपके माफ हो जाएंगे, 1000 रुपये आपको इंस्टॉलेशन चार्ज बिल्कुल भी यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। बस गाइस यही ऑफर है और मस्त है गाइस, बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया स्पीड आती है,
यहाँ पर को यदि आपको देखो गाइस कुछ प्रॉब्लम आती है वो कंपनी में यानी कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हैं तो गाइस आपका यहाँ पर सुबह से शाम तक गाइस यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। सुबह से शाम तक यहाँ पर कस्टमर केयर वाले आएंगे आपके घर पे और गाइस उसको फिक्स करके जाएंगे। ये गाइस सबसे बेहतरीन यहाँ पर मैंने गाइस इसकी वो देखी है सर्विस। तो वीडियो को लाइक करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।